नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे शुक्र का जो चेंज हो रहा है टॉरस 2 नंबर में जा रहा है उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। इंडिया के फर्स्ट हाउस में जा रहा है तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। वीनस इन ऑन टॉरस, शुक्र अपनी ही राशि में जा रहा है 2 नंबर में, इंडिया के फर्स्ट हाउस में हम सब देख रहे हैं, और 19 मई को चेंज है, 12 जून तक चलेगा, 25 दिन का चेंज है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ, और आज है 15th of May 2024 वेडनेसडे, और ये वीडियो 4 दिन बाद अपलोड होगी 19th of May 2024 संडे को। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। ये हमारी इंडिया की कुंडली, आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है। लगन मीन्स फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है उसी से हमारी प्रिडिक्शन होती है, मून साइन से नहीं होती। ये जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, 2 नंबर है तो आप टॉरस लगन है, इंडिया की कुंडली टॉरस लगन है, और अगर 8 लिखा है तो आप स्कॉर्पियो है, 12 लिखा है तो आप पाइसिस है, उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। ये कल पॉइंट हमने पढ़ दिए थे तो डिस्कस कर लिया था, तो सीधा हम आते हैं लिब्रा पे। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा ये शुक्र का? इनके लिए तो बहुत अच्छा रहना चाहिए दोस्तों। लिब्रा यानी कि तुला दोस्तों, इसमें क्या है कि ये दोस्तों शुक्र की दूसरी राशि है, और दोस्तों जैसा टॉर्स में दोस्तों चेंज हुआ, तो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई ग्रह अपनी एक राशि में आएगा दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों उसकी दूसरी राशि पर इसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। जैसे आप टॉर्स दोस्तों शुक्र की अपनी ही राशि है, उसी तरीके से दोस्तों टॉर्स को जैसे दोस्तों पॉजिटिविटी आई दोस्तों सिमिलर फैशन में, उसी दोस्तों फैशन के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों लिब्रा को भी पॉजिटिविटी मिलेगी, बिकॉज लिब्रा का भी लॉर्ड दोस्तों शुक्र और टॉरस का तो लॉर्ड शुक्र है ही है दोस्तों, तो दोनों ग्रहों का दोस्तों कॉमन जो लॉर्ड है शुक्र, जब एक साइड में तो बाय डिफॉल्ट दूसरी राशि दोस्तों उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा दोस्तों। यही अगर नेगेटिव प्लैनेट अगर इस राशि में आता इसके अंदर दोस्तों विषम में, दोस्तों वही नेगेटिव इम्पैक्ट दोस्तों तुला पे भी आता, यानी कि एक राशि अगर नेगेटिव होगी मतलब बाय एस्पेक्ट या बाय दोस्तों किसी प्लैनेट की लैंडिंग की वजह से, तो दूसरी राशि में उसका असर पड़ेगा इन सिमिलर फैशन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर आप नोटिस करेंगे तुला यानी कि लिब्रा के अंदर दोस्तों, ये बना 8th हाउस, और दोस्तों 8th हाउस में शुक्र भी आ गया अपने साइन में दोस्तों, गुरु दोस्तों ऑलरेडी वहां पे है, दोस्तों सूर्य भी वहां पे ऑलरेडी है दोस्तों। गुरु 8th हाउस के अंदर आपकी एज को बढ़ा के चलते हैं, आपकी वेल्थ को बढ़ा के चलते हैं, आपकी दोस्तों इंटरनल ट्रेवलिंग को बढ़ा के चलते हैं। तो दोस्तों सूर्य जैसा प्लेनेट जो कि आपके चार्ट में 11th का लॉर्ड है, 8th में आकर एज अ डॉक्टर काम करके आपकी फाइल्स को इन सब चीजों को दोस्तों ठीक करता है, आपको हिडन इनकम देखा जाता है। शुक्र जो कि 8th का ही लॉर्ड है, सेल्फ का ही लॉर्ड है, यानी कि आपकी एज को डिनोट करने वाला प्लेनेट दोस्तों एज वाले हाउस में आके आपकी एज को बढ़ा के चलता है, यानी कि दोस्तों वो सभी लोग जो लिब्रा के हैं या वो सभी जो टॉरस के हैं दोस्तों जिनके दोस्तों बीमार चल रहे हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनको यहाँ पे भगवान ने चाहा तो रिलीफ मिलेगा, उनको दोस्तों एक उम्मीद की किरण यहाँ पे नजर आएगी, तो उनको हो सकता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाए, तो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिविटी आती है, उनको मोक्ष मिले दोस्तों, कुछ भी उनको अपने पेन से दोस्तों रिलीफ मिलती है। तो 8th हाउस होता है आपके इंटरनल ट्रेवलिंग का, तो 8th हाउस होगा आपको कहीं ना कहीं हीलिंग का, आप जैसे जो जो दोस्तों हीलर होते हैं तो एक इंसान होगा दोस्तों जान लेता है दोस्तों, जैसे चोर हो गया, आतंकवादी हो गया, दोस्तों जान लेते हैं, एक इंसान से डॉक्टर दोस्तों प्रीस्ट गुरु जो जान देता है दोस्तों, जीने की राह दिखाता है आपको दोस्तों। जब 8th हाउस पॉजिटिव होगा तो यूर लाइक अ हीलर, आप दूसरों को जान देते हो, दूसरों को रास्ता दिखाते हो। जब आपका 8th हाउस वीक होगा दोस्तों तो दूसरों की जान लेते हो, यूर मर्डर, आप दूसरों की जान लेते हो। तो 8th हाउस दोस्तों इतना पॉजिटिव जब आपका हो गया, यूल बी लाइक अ हीलर, आप दूसरों को दुख दर्द हो तो यूर लाइक साइकोलॉजिस्ट, आप साइकोलॉजी फील्ड के अंदर आप डॉक्टर हैं दोस्तों, आप दिमाग के डॉक्टर, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रशंसा मिलेगी। आप दोस्तों हमारी जैसे फील्ड के अंदर आप पंडित हैं, प्रीस्ट हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, अगर आप हैं तो दोस्तों आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा, आप काफी ज्यादा लोगों को ठीक कर पाओगे, लोगों के आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वो सभी लोग जो मेडिटेशन के अंदर हैं, जो मेडिटेशन दोस्तों बहुत ऊपर जाना चाह रहे हैं दोस्तों, वो सभी लोग जो अपने अंदर के तार को छूना चाह रहे हैं, वो सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हो दोस्तों, अपने खुदा को, अपने गुरु को, अपने दोस्तों भगवान को देखना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज 8th हाउस में इतनी स्ट्रेंथ दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी बढ़ाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये तीनों दोस्तों कॉम्बिनेशन आपके सेकंड वेल्थ वाले हाउस को और आपके सेविंग वाले हाउस को देखेंगे, तो सेविंग में आपके इंक्रीमेंट होगी, आपके वेल्थ में इंक्रीमेंट होगी दोस्तों। कैसे, जो आपके ऑलरेडी सेविंग्स हैं वो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे दोस्तों। शेयर मार्केट को हम लेके चले तो शेयर मार्केट के दोस्तों यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको और ज्यादा यहाँ पे फायदा देके जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये हर लिहाज से पीरियड अच्छा आपके लिए, एज ए हीलर भी और एज अ वेल्थ के लिए भी, वेल्थ क्रिएटर के लिए, मतलब ऑल ओवर इनका टाइम बहुत अच्छा है, डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, बाकी तो कुंडली डिसाइड करेगी करेगी बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा?
चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए सभी लग्नों का, और एंड में हम रेमेडीज बताएंगे हमेशा की तरह। तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक दोस्तों, ये इतना बड़ा चेंज है इनके लिए कि ये इग्नोर करना दोस्तों इम्पॉसिबल हो रहा है। दोस्तों मोदी जी का स्कॉर्पियो लग्न में हम कल बात की थी, मोदी जी की बात भी करेंगे दोस्तों। तो स्कॉर्पियो लग्न में आप देखिए गुरु जो होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करके चलेंगे दोस्तों, तो कल और बदल लग का दोस्तों, वो आपके सेवंथ हाउस में सेल्फ हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे गुरु तो आ गए दोस्तों, सूर्य जो करियर का लॉर्ड है दोस्तों, सेवंथ हाउस में सेल्फ को इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत बड़ा चेंज। दोस्तों शुक्र जो कि सेवंथ का ही लॉर्ड है, सेवंथ हाउस में आ गया दोस्तों, यानी कि सेवंथ हाउस को हम लोग करियर हाउस कहते हैं, बिकॉज टेंथ का टेंथ होने से दोस्तों सेवंथ हाउस भी करियर को डिनोट करता है। तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ है दोस्तों, आपका करियर जो है प्रॉस्पेरिटी पे आता है, करियर में दोस्तों उत्थान मिलकर चलेगा। सेवंथ जो कि मैरिज को डिनोट करता है, शुक्र मैरिज का ही होता है, तो दोस्तों मैरिज के प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। और दोस्तों इस समय अगर मैरिज हो गई तो गुरु ऑलरेडी यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। सूर्य यहाँ पे है तो आपका हस्बैंड जो जिसके साथ भी आपकी शादी होगी वो बहुत मजबूत होगा प्रोफेशनली। तो दोस्तों शादी का सबसे बड़ा टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो शादी ना भी हो दोस्तों एटलीस्ट एंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए, कुछ भी ऐसा कि अब आप इंडिविजुअल नहीं है, अब आप पार्टनरशिप में आ चुके हैं। दोस्तों जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पे शुरू करना, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्टअप शुरू करना दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बड़ा टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इट्स अ बिग बिग चेंज। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सेवंथ हाउस को हम लोग कहते हैं बेडरूम हाउस भी कहते हैं दोस्तों, शुक्र बेडरूम को ही डिनोट करता है, आपके घर में ट्वेल्थ का लॉर्ड है तो बेडरूम वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे उसको वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है। हम लोग कुछ कमी पेशियां थी वो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें मोदी जी की, तो उनका स्कॉर्पियो लगना सूर्य दोस्तों उनकी जीत को निश्चित करके जा रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे चुनाव के दौरान रहेगा, रिजल्ट के टाइम पे रहेगा दोस्तों, गुरु रिजल्ट के टाइम पे यहाँ पे रहेगा, तो शुक्र भी रिजल्ट के टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दोस्तों, आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि जो बाकी के तीन चरण दोस्तों उसमें कैसे रहने वाले हैं, दो दिन पहले दोस्तों हमारी वीडियो आई थी, तो उसको ही आगे बढ़ा के चलते हैं। तो ये वाला दोस्तों पर्टिकुलर चेंज, मेरी वो जो वीडियो थी दोस्तों बीजेपी की जीत थी, उसको कहने की और मजबूती प्रदान करके जाता है। तो पर्टिकुलर चेंज दोस्तों मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, स्कॉर्पियो लगना के लिए, मतलब स्कॉर्पियो लगनों के लिए भी डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले इनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हीं चेंज है सारा इन्हीं के हाउस में आ रहा है, सेवंथ हाउस को देखेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर सजिटेरियस धनु गुरु की पहली राशि। दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि आपके कुंडली में धनु के अंदर दोस्तों सब कुछ नंबर 2 के अंदर होते हुए, यानी कि 6 नंबर 6 हाउस में होते हुए दोस्तों, जितने दोस्तों कॉम्बिनेशन है दोस्तों 6 हाउस में चल रहे हैं, अच्छा नहीं होता। तो सूर्य का 6 हाउस में ना तो बहुत पॉजिटिव नहीं होता इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। दोस्तों गुरु का यहाँ पे जो कि सेल्फ का लॉर्ड है इतना अच्छा नहीं होता। दोस्तों मर्कुरी भी यहाँ पे आ जाएगी 31 को, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा होगा, बिकॉज ये 6 हाउस शुक्र का ही है। दोस्तों 6 हाउस का लॉर्ड या कि नेगेटिव का लॉर्ड नेगेटिव हाउस में होगा, यानी कि कोई दोस्तों 6 का लॉर्ड, 8 का लॉर्ड, 12 का लॉर्ड जब अपने हाउसेज में होंगे दोस्तों, वो नेगेटिव होने के, दोस्तों नेगेटिव तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव इन नेगेटिव बिकम नेगेटिव। दोस्तों होता क्या है कि कोई ग्रह अपने हाउस का जो लॉर्ड होगा नेगेटिव हाउस में, तो नेगेटिविटी को पुल डाउन करेगा, नेगेटिविटी पुल डाउन का मतलब पॉजिटिविटी ऊपर जाएगी, इसको लोग कहते हैं विपरीत राजयोग, यानी कि ऑपोजिट राजयोग। तो ऑपोजिट राजयोग यहाँ पे मिलने से दोस्तों लग्जरी यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे प्लेजर बढ़ जाता है। बट दोस्तों ओवरऑल अगर हम देख के चले, ये नेगेटिविटी कम तो करेगा, बट सूर्य और गुरु यहाँ पे ऑलरेडी हैं दोस्तों, वो भी हेल्थ के लिए दोस्तों को बहुत अच्छा नहीं है। डायबिटीज की मैंने आपको एक बात बताई थी, अपने गुरु का चेंज किया था कि डायबिटीज यहाँ पे इरप्ट हो जाती है और दोस्तों नए फॉर्म में आ जाती है यहाँ पे, जिनको नहीं थी दोस्तों उनको भी आ जाती है, और दोस्तों जो बॉर्डर लाइन पे उनकी बढ़ जाती है, और जिनको ऑलरेडी बहुत जाती है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। दोस्तों डायबिटीज के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान में देखे चलना है, दोस्तों पैनक्रियास के लिए हमें ध्यान में देखे चलना, बिकॉज शुक्र पैनक्रियास को ही कहीं ना कहीं डिनोट करेगा। लेडीज की बात करें दोस्तों, ओवरीज की बात करें, वजाइना की बात करें, उनको अपना थोड़ा ध्यान में देखे चलना है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा ये पीरियड कोई बहुत ज्यादा अच्छा पीरियड नहीं है। हालांकि पैसों के लिए बात करें, शुक्र का 6 हाउस में अपने साइड में ना पैसे आपको देते हैं, कर्ज निपटाने के आपको मौके देते हैं, बट टेबल का जो पैसा आपका आता भी है ना वो आपकी बॉडी पे लग जाता है। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, डायबिटिक है तो अपना टाइम टू टाइम ध्यान दें, शुगर इंटेक कम करके चलें, अपनी किडनी अपने यूरिन पे ध्यान में देके चलें, यूरिन कितनी बार जाना है नहीं जाना, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा हो रहा है आपका यूरिन जाना तो बी वेरी केयरफुल, ये डायबिटीज की निशानी हो सकती है आपके चार्ट में एज पर योर कुंडली। कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो 100% मान के चलते हैं, कुंडली में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, वहां पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी नीचे आती है, आपकी कुंडली ज्यादा डिसाइड करेगी। तो बेसिकली मीडिया का कैंड ऑफ अच्छी।
चलिए 9 नंबर सजिटेरियस धनु का भी हो गया। अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर शनि की राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों कैप्रिकॉन की बात करें बल्ले बल्ले हो जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। कारण क्या है कि शुक्र यहाँ पे बनता है केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड, यानी कि 10th प्रोफेशन का 5th दोस्तों त्रिकोण का, एक ही लॉर्ड साइमल्टेनियसली जब केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड बनता है, उसको भी सबसे मजबूत केंद्र का जब लॉर्ड बनेगा तो दोस्तों उसमें पावर बहुत ज्यादा आ जाती है, प्रोफेशन की, लक की, इनकम की, बच्चों के लिए दोस्तों काफी अच्छा हो जाता है। उसको अब तो 5th का लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए दोस्तों, प्रोफेशनल लक आपके साथ में आ गया दोस्तों, सूर्य ऑलरेडी है तो अप्रिसिएशन मिलती है, आपकी प्रमोशन होती है दोस्तों, गुरु यहाँ पे तो मन में शांति आती है, धर्म की तरफ रुझान बढ़ता है आपका दोस्तों, क्योंकि 5th का लॉर्ड 5th हाउस में आ गया। अगेन दोस्तों प्रेगनेंसी वाली बात करें तो उनके बहुत अच्छा होता है, लेडीज के लिए खुशखबरी आ जाती है दोस्तों। 5th हाउस बच्चों का होता है, अगर आपके एजुकेशन का, तो एजुकेशन में आपके अगर आप बच्चे हैं 12th तक की आपकी एजुकेशन है, तो ये पर्टिकुलर चेंज आपको काफी बेनिफिट देगा, नए सेशन के अंदर आपके कोर्स चुनने में, आपके करियर चुनने में आपको काफी हेल्प करेगा। सब बेसिकली वेरी वेरी गुड चेंज। और दोस्तों इसका और ये जो कनेक्शन दोस्तों आपस में बने, लक और दोस्तों लव लाइफ, दोस्तों करियर और लव लाइफ, तो मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप काम में हैं, जॉब में, बिजनेस में, तो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं यहाँ पे, या आपका मान लीजिए आपकी एंगेजमेंट हो जाती है, कोर्टशिप रेट चल रहा है आपका, तो अभी आपका करियर यहाँ पे बढ़ जाता है, बिकॉज आपका लक आपके पार्टनर साथ कहने के ज्वाइन कर लेते हैं। अब लिव इन के अंदर है तो लिव इन वाला पार्ट यहाँ पे दोस्तों मजबूत हो जाएगा, कोर्टशिप वाला पार्ट मजबूत हो जाएगा, लव लाइफ वाला पार्ट यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। ऑल इन ऑल अ ब्यूटीफुल चेंज। दोस्तों मर्क्यूरी का भी यहाँ पे आना बाकी है, मर्क्यूरी भी जब यहाँ पे आ जाएगा आपके चार्ट में 9th फ्लॉट में 31 मई को, तो दोस्तों कहना ही क्या। और 5th दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, दोस्तों वो सभी फील्ड जहाँ पे मेहनत कम होती है, लक ज्यादा काम करता है, उन सभी फील्ड से दोस्तों पैसा आना काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। बस कुल मिलाकर दोस्तों ओवरऑल इट्स अ बिग बिग चेंज, इसका हमने बेनिफिट लेकर ना लव लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, खुद के एजुकेशन के लिए, किस्मत के लिए, पैसों के लिए, और आपके कहीं ना कहीं दोस्तों मेंटल अनस्टेबिलिटी के लिए भी चेंज काफी ज्यादा अच्छा है। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का हो गया। अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ शनि की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों सिमिलरली जैसे कैप्रिकॉन का था कि केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड बनता है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे कुंभ के अंदर दोस्तों बनता है 4th मदर दोस्तों, 9th फादर यानी कि पेरेंट्स को डिनोट करता है दोस्तों। दोस्तों 4th एसेट्स, 9th हो गया ब्लेसिंग लक दोस्तों, यानी कि आपकी किस्मत और आपके नौकर चाकर के सुख को, आपके पैसों को सुख को डिनोट करता है। तो इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट दोस्तों, इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अपने ही 4th हाउस में आके दोस्तों मन में दोस्तों खुशियां देखे जाता है, मन में शांति देखे जाता है दोस्तों, रोमांस को बढ़ाकर चलता है। तो दोस्तों 4th हाउस आपके घर का होता है, तो वो सभी लोग जो और दोस्तों शुक्र होता है डिजाइनिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग में है दोस्तों, वो सभी लोग जो वेडिंग प्लानर है, वो सभी लोग दोस्तों जिनका अपना कहीं ना कहीं फॉर्म हो, यहाँ पे शादियां होती हैं, इस तरह की चीजें, उनका दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनली काफी ज्यादा चीजें बढ़ेंगी दोस्तों। फोटोग्राफी के अंदर है, वेडिंग फोटोग्राफी है, कमर्शियल फोटोग्राफी है आपकी दोस्तों, बहुत बड़ा यहाँ पे काम हो जाएगा। वो सब लोग जिनका सलून है, पार्लर है दोस्तों, उनका यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, अगर आप कुंभ लगा रहे हो आपके पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो 4th हाउस में गुरु को होना इनकम का लॉर्ड बन के आ गया, शुक्र दोस्तों 4th का ही लॉर्ड है, तो सूर्य भी केंद्र का लॉर्ड बन के यहाँ पे, आप तो दोस्तों बुध भी आ जाएगा 31 को, तो जो लोग रियल एस्टेट के अंदर इनका जमीन से जुड़ा हुआ काम है, जमीन की सेल परचेज का काम है दोस्तों, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट, इनको दोस्तों रेंटल इनकम आती है, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट। तो ओवरऑल दोस्तों इनके सामाजिक प्रतिष्ठा, जो पब्लिक फिगर है, मीडिया में अगर आप हैं, पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप हैं, प्लेयर अगर आप हैं, बेसिकली पब्लिक फिगर अगर आप हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप मीडियम फैशन डिजाइनर हैं, फैशन में हैं, तो आपके लिए दोस्तों फायदेमंद। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये तो वो सब लोग जिनके ज्वेलरी के शॉप है, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप डायमंड का आपका स्पेशली एक शोरूम डायमंड्स का ही, आपका डायमंड रिलेटेड ज्वेलरी का आपके शोरूम है, तो भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऑल इन ऑल दोस्तों कुंभ लगन वालों के लिए बहुत फैंटेस्टिक टाइम। और दोस्तों जिस दिन मर्क्यूरी यहाँ पे आ जाएगा 1 तारीख को, तो उस दिन दोस्तों आपके 4 चांद लग जाएंगे आपके पॉजिटिविटी के अंदर। और दोस्तों अभी भी शनि आपके सेल्फ हाउस में कहीं ना कहीं रह के आपकी चीजों को बेहतर करता हुआ चलते चले जा रहा है। चलिए एक्वेरियस कुंभ का भी होगा, हमारे लास्ट लगना आज का 12 नंबर पाइसेस मीन, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आज का आखिरी लगना जानने के लिए, और रेमेडीज भी हम इसके बाद बताएंगे। तो इनके लिए कैसा रहेगा पाइसेस मीन लगन वालों के लिए? तो हालांकि जो पाइसेस होते हैं ना, इनके लिए शुक्र कोई बहुत इंपॉर्टेंट पैरेड या इतना कोई पॉजिटिव पैरेड नहीं होता, बिकॉज 3rd और 8th क्राउड बन जाते हैं, दोनों मार्केश बन जाते हैं दोस्तों, दोनों एज को दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में शुक्र का अपने ही साइन में आ जाना, एज वाले हाउस में आ जाना, बिकॉज 3rd हाउस दोस्तों 8th का 8th होता है, तो इसलिए उसको भी एज हाउस कहा जाता है। दोस्तों 3rd हाउस का लॉर्ड का 3rd हाउस में आ जाना दोस्तों, 3-4 काम बड़े अच्छे करेगा दोस्तों, आपके एज को बढ़ा देगा, यानी कि आपकी हेल्थ को बेटर करेगा, आपकी नेगेटिविटी को डाउन करेगा दोस्तों। ऑलरेडी यहाँ पे सूर्य भी है दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पे गुरु भी है, तो नेटवर्किंग की बात करके देखें, सोशलाइजिंग की बात करके देखें, फ्रेंड सर्कल की बात करके देखें, पार्टी करने की बात करें, किटी पार्टी की बात करके देखें, ट्रैवलिंग की बात करें, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग की बात करके देखें, सब कुछ आप इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, आपके सर्कल के थ्रू आपकी जॉब लग जाएगी। आपका दोस्तों कुछ काम नहीं हो पा रहा था, कोई आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई इशूज चल रहे थे, वो इंसान दोस्तों आएगा बाहर से, एज ए मीडिएटर बनेगा, आपकी हेल्प कर देगा।
और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी है तो सरकार की मदद से यानी कि कोर्ट की मदद से भी आपके जो शादी वाला पार्ट है वो भी कहने के सुलझ जाते हैं। देखो गुरु यहाँ पे सुलझाते हैं, चीजों को उलझाता नहीं है दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों बात करें कम्युनिकेशन की, बात करें सीरियल की, बात करें चीजें बहुत ज्यादा बेहतर। और दोस्तों क्योंकि थर्ड हाउस बनते सेकंड का सेकंड सेकंड दोस्तों वेल्थ, तो वेल्थ का वेल्थ हाउस यानी कि वेल्थ में इंक्रीमेंट होती है दोस्तों, वेल्थ आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। लास्ट में दोस्तों ये तीन तीन ग्रह जब आपके नाइन्थ हाउस पे अपने इम्पैक्ट डालेंगे दोस्तों, तो नाइन्थ हाउस को स्ट्रेंथ मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे वृश्चिक लगन है, मंगल की राशि, हनुमान जी की राशि, तो जब नाइन्थ हाउस को स्ट्रेंथ मिलेगी तो भाग्य भी आपका बढ़ेगा। आपके रिसर्च की बात करें, आपके डिप्लोमा की बात करें, डिग्री की बात करें, आपके फादर की बात करें या फादर की प्रॉपर्टी की बात करें, सब कुछ हमें मिल जाता है यहाँ पे। ऑल इन ऑल दोस्तों इस तरह कन्या का टाइम अच्छा स्टार्ट हो चुका है, एक के बाद एक अच्छा चलते चले आ रहे हैं। तो इस तरह मीन लगन का भी टाइम बहुत अच्छा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो कोई हम कंप्लेन करने लायक दोस्तों कोई चीज है नहीं हमारे पास ज्यादा यहाँ। चलिए फ्रेंड्स, 12 लग्नों की बातें हो गई, शुक्र का चेंज कैसा रहेगा ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो रेमेडीज बता दें हम, शुक्र की सबसे बड़ी रेमेडी, पहले तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और लक्ष्मी शुक्र की जो लक्ष्मी चालीसा क्या होता है वो आप पढ़ सकते हैं, और फ्राइडे को आप छोटी लड़कियों को खीर बना के डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मीठी कर्ड भी दे सकते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। और अगर आप चाहें तो डीओ या परफ्यूम स्प्रे करके टॉप टू बॉटम उनकी मूर्ति के पास छोड़ाइए, पंडित जी वो खुद यूज करें या किसी को डोनेट करें वो उनकी अपनी मर्जी है। और कुछ दोस्तों जिनको डायमंड सूट करता हो कुंडली के हिसाब से, या डायमंड अफोर्ड करते हो डायमंड पहने थर्ड फिंगर में, नहीं तो दोस्तों ओपल जो डायमंड का सब्स्टिट्यूट है वो पहन ले, क्योंकि शुक्र दोस्तों यहाँ पे अपनी राशि के अंदर है। दोस्तों जब कोई ग्रह अपनी राशि में है तो उसके रिलेटेड हम स्टोन पहनते हैं, बेनिफिट मिलता है ज्यादा। बिल्कुल ओपल ये होता है व्हाइट कलर का स्टोन, काफी बड़ा, जितना बड़ा आप पहनेंगे, जितने ज्यादा रत्ती का पहनेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है। तो आप ये चाहें तो थर्ड फिंगर में पहन सकते हैं, अगर आप सॉलिटेयर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो। और कुछ बस बाकी आपके मन में से कोई बात हो तो आप मैसेज कर लीजिए। और तो इसके बाद हम चलते हैं अपने पॉलिटिकल वीडियोस पर, एक हमारी क्लाइंट के दोस्तों वीडियो बची हुई है जो हम लोगों ने कबीर सिंह के बच्चे की वीडियो बनाई थी 13 साल की, उनकी मदर की दोस्तों वीडियो हमारी है, वो भी एक बार डालते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।